तो मेवा पाक बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया बादाम, मगज, किशमिश, काजू, मखाने और ये यहाँ पे हमने गोले को जो है वो कद्दूकस कर लिया है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और अब हम डाल देते हैं इसमें घी। घी हमारा गर्म हो चुका है और इसमें डाल दिए हमने बादाम, इनको हम भून लेते हैं। हमारे बादाम जो है वो फ्राई हो चुके हैं, हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए आवाज भी आ रही है। ऐसे ही हम काजू को भून लेते हैं। काजू भी हमारे भून चुके हैं, इनको भी निकाल लेते हैं प्लेट में। अब ऐसे ही मखाने को अब हम फ्राई कर लेते हैं अपने। ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम इसमें डाल देते हैं गोंद। तो ये गोंद भी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। ये तिल को भी हम कर लेते हैं फ्राई। मगज क्या? ये मगज को भी कर लेते हैं हम फ्राई। और अब हम इसमें डाल देते हैं हम केला जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था, इसको भी हम कर लेते हैं फ्राई, थोड़ा भून लेते हैं इसको। ये इसमें हम किशमिश भी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। अब हम बना लेते हैं चाशनी। इसके लिए हम एक कढ़ाई में डाल देते हैं चीनी 1 कप। 2 कप चीनी डाल देते हैं। और अब इसमें हमने डाल दिया है 1 कप पानी। और अब हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम मखाने को कर लेते हैं। इसको हमें बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। अब हम काजू को ग्राइंड कर लेते हैं। बादाम को ग्राइंड कर लेते हैं। बादाम को हमें ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है, इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। अब गोंद को भी हम कर लेते हैं ग्राइंड। तो ये गोंद हमारा ग्राइंड हो चुका है। तो ये हमारी चाशनी जो बन चुकी है, हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो जो हमने ग्राइंड किया था पेस्ट, उस सबको हम अपने ये गोले में मिक्स कर लेते हैं।
तो अब चाशनी को अब हम इसमें डाल देते हैं। तो अब हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब इसको चला लेते हैं। तो यहाँ हमने ट्रे लिया जिसको हमने घी से ग्रीस कर लिया है। तो गाइस हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद और ये देखिए अब अलग अलग सा हो गया है। तो हम इसको जमाते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जब बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारी बर्फी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसको निकाल के लगाते हैं प्लेट में। देखिए हमारी बर्फी जो है बन के तैयार हो चुकी है।